आज है संडे और अभी संडे का राइड शुरू हो रहा है। ये मेरी बाइक और वो है कुणाल दा का बाइक। ये कुणाल दा, ये आज मेरे साथ राइड पे ज्वाइन कर रहे हैं। अभी शुरुआत हो रहा है संडे राइड का। अभी इधर से निकल रहे हैं हम। अभी हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है उनाकुटी। वो धर्मनगर में पड़ता है, त्रिपुरा में। तो हम एक स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं। तो हम असम के हैं और हम अभी जा रहे हैं त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट में। अभी बज रहा है 6:40 और उस तरफ में सूरज निकल चुका है, तो लगता है आज बारिश नहीं होने वाला है। बारिश नहीं होगा तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि बारिश हो जाएगा तो सब प्लान का सत्यानाश हो जाएगा। इधर में पेट्रोल नहीं मिला, अभी जा रहे हैं आगे। आगे जाके देखेंगे उधर में पेट्रोल मिलता है तो सही है। हमने अभी पेट्रोल भर लिया है। अभी हमें सामने मिलेगा बदरपुर। कुणाल भैया को जब भी खुला रास्ता मिलता है वो इतना जोर से एक्सलरेट करते हैं कि वो मतलब पलक झपकते ही मतलब गायब। और गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बदरपुर। इधर से उनाकुटी लगभग 110 किलोमीटर के करीब है। मैं जा रहा हूँ करीमगंज की तरफ। हम बाईपास होके निकल जा रहे हैं, अंदर नहीं घुस रहे करीमगंज के। इस तरफ है करीमगंज और अभी हम लोग जा रहे हैं इस तरफ बाईपास की तरफ। कुणाल दा का इंट्रोडक्शन मैंने किया ही नहीं आप लोग के साथ, तो अभी मैं जहाँ पे मैं ब्रेक लूंगा उधर मैं आप लोग के साथ मैं कुणाल दा का इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। ये रास्ता बहुत ही घटिया रास्ता है, ऐसे रास्तों में चलाने का कोई मजा नहीं है। आज मेरे साथ है कुणाल दा, तो आज बाइक चलाने का भी थोड़ा बहुत मजा आ रहा है। सोलो राइड पे थोड़ा बहुत बोरिंग लग जाता है कभी कभी, अगर कोई साथ में कोई दोस्त होता है ना, राइड पे निकलने का मजा ही कुछ अलग होता है। आज ज्यादातर मेरा स्पीड 120 110 100 के ऊपर ही रह रहा है। फ्यूचर से लेके अभी तक इधर तक पापरकांडी, नीलाम बाजार और करीमगंज क्रॉस करके अभी हम लोग आ चुके हैं। और इधर में अभी हम लोग राजस्थानी ढाबा में अभी हम लोग आए हैं। इधर में खाना वाना खाएंगे। और इधर में मेरे साथ आज राइड पे हैं कुणाल दा। ये रहे कुणाल दा, तो इनके साथ फ्यूचर में भी बहुत सारा राइड होगा, इनको आप पहचान लीजिएगा आराम से। कुछ बोलोगे कुणाल दा? ठीक है, थोड़ा कैमरा चाहिए, बात नहीं करते इतना। और अभी इधर आए राजस्थानी ढाबा में, अभी इधर में खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खा के अभी फिर से निकलेंगे। और ये रही हमारी बाइक। चलिए तो फिर खाना खा लेते हैं, खाना वाना खा के इसके बाद आप लोग से मिलता हूँ फिर से। अभी खाने पे हम लोग ने रोटी ऑर्डर किया है, इधर में थोड़ा अचार प्याज, इधर दाल मखनी और इधर में मिक्स सब्जी चने का। खाना खा के अभी ख़त्म कर लिया, अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं धर्मनगर की तरफ। त्रिपुरा के अंदर घुस चुका हूँ। त्रिपुरा के रोड्स असम से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे क्या, लाख गुना अच्छे हैं। मज़ेदार है, स्मूथ बाइक चलता है एकदम मक्खन की तरह। अभी और हमें पहुँचने के लिए अराउंड 55 to 45 मिनट्स लगेगा उधर तक। ऐसे रोड पर बाइक चलाने से मुझे मिजोरम का बड़ा याद आता है। अभी आते आते इस रास्ते में बाइक चलाते चलाते मतलब एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बहुत ही मतलब गंदा रास्ता ही है। त्रिपुरा गवर्नमेंट अगर ये रास्ता थोड़ा बहुत ठीक करता ना तो बहुत अच्छा होता। ये रास्ता वो लोग ठीक करना नहीं चाहते और हम लोग के लिए ये प्रॉब्लम होता है। ये रास्ता ना कब ठीक होगा पता नहीं। ठीक हो जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा इधर में बाइक चलाने का। अभी उनाकुटी के अंदर हम लोग घुस रहे हैं। ये उनाकुटी का रास्ता है। इधर में बहुत सारे टूरिस्ट आ चुके हैं। इधर में ज्यादा कोई शॉप नहीं है। ये है गाइस उनाकुटी का मेन गेट और इसके अंदर से अभी हम लोग को जाना है। बाइक पार्क कर दिया हम लोग ने, ये मेरा वो भैया का। अभी धीरे धीरे अंदर जाना है, चलते हैं अंदर। ये गेट पूजा के टाइम पे खुलता है, ऐसे यूजुअली वो साइड में जो गेट है उसी के थ्रू एंट्री होता है। अभी हमें इधर से होके वैसे जाना है। ऊपर में ये सब नया नया बना है
ये सब पार्क वर्क समथिंग है इधर ऊपर, और इधर से अभी जाना है, इधर से अंदर जाके मेन व्यू मिलेगा। इधर से अभी हमें नीचे जाना है, अभी हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये है नंदी, पत्थर में बनाया गया है, और ये जो मूर्ति देख रहे हो ये शिव जी का मूर्ति, और वो भी है शायद शिव जी का ही मूर्ति। ये है गुप्त गंगा, अभी हम लोग उधर से आए हैं, ऐसे 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 करके इधर से ऐसे, अभी इधर से हमें ऊपर जाना है, एकदम ऊपर। ऊपर जाके क्या मिलेगा पता नहीं, मैं कभी गया नहीं इतना ऊपर तक। चलिए चलते हैं, साथ रहिए। इधर मैं चढ़ते चढ़ते सांस पूरा फूल चुका है, होठ ओठ भी सूख चुका है, बहुत थका दिया। देखने में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा और बहुत खड़ा चढ़ाई है। आपको मैं दिखाता हूँ, वो आप देख सकते हैं, उधर से हम लोग ने स्टार्ट किया था, उधर से ऐसे जाके ऐसे नीचे आए, नीचे से ऐसे 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 करके इधर तक आके चढ़े, पूरा थका दिया। और इधर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। जितने भी इधर मूर्तियाँ हैं वो सारी मूर्तियाँ इस तरफ हैं, इस साइड में हैं। उधर से लेके नीचे से लेके इधर 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 करते हुए इधर तक भी है मूर्तियाँ, और ऊपर में भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। इधर में गाइस जितने भी पत्थर हैं, सारे पत्थरों में कुछ ना कुछ डिज़ाइन करके पत्थरों को एक सुंदर सा आकार दिया गया है। इधर से गाइस अभी ऊपर जाने का और भी रास्ता है, ऊपर में और भी बहुत कुछ है। आपको मैं एक छोटा सा दिखा देता हूँ, ऊपर में एक छोटा सा घर भी बना हुआ है। निखिल अभी हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके हैं, नेक्स्ट कभी आएंगे तो फिर से जाऊंगा मैं, निखिल अभी बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। और अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, इधर में और एक मंदिर है, उस मंदिर में जाएंगे। इस शिवलिंग का 3 फेस है, 3 साइड है, और तीनों साइड में 3 चेहरे हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का। बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं इधर में चलते चलते, बाइक भी चला के अभी वापस घर भी जाना है। अगर घर जाना नहीं होता तो और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अभी निकल रहा हूँ और इधर ही मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट दिन जब आऊँगा फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा, तब आप लोग से फिर से अच्छे से शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।